उत्तर प्रदेश के संभल की शाही जामा मस्जिद क्या हिंदुओं का हरिहर मंदिर है? इसी सवाल का जवाब तलाशने की कवायद काफी तेज है। कोर्ट के आदेश पर एडवोकेट कमीशन ने मस्जिद परिसर का सर्वे भी किया है। पूरे मामले पर मुस्लिम पक्ष ने बाहर से आए लोगों पर संभल का माहौल खराब करने की साजिश रचने का आरोप लगाया है, जबकि हिंदू पक्ष अपने मंदिर वाले दावे पर अभी भी कायम है। इसी पर देखिए खास रिपोर्ट। संभल में शाही मस्जिद या हरिहर मंदिर, कोर्ट के आदेश पर शाही मस्जिद का सर्वे। सर्वे रिपोर्ट का इंतजार, तेज हुई तकरार। काशी और मथुरा के बाद संभल की जामा मस्जिद का मामला अदालत की चौखट पर। यहां भी मामला मस्जिद या मंदिर के फेर में उलझा हुआ है। हिंदू पक्ष का दावा है कि संभल में जिसे शाही जामा मस्जिद कहा जाता है वो असल में हरिहर मंदिर है। इसी मुद्दे पर हिंदू पक्ष ने संभल की एक अदालत में याचिका दाखिल की। कोर्ट ने सुनवाई के बाद सर्वे का आदेश दिया और 7 दिन में रिपोर्ट मांगी। कोर्ट का आदेश मिलते ही एडवोकेट कमीशन बनाया गया और डीएम की मौजूदगी में सर्वे कराया गया। इसकी वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी भी करवाई गई। माननीय सिविल जज सीनियर डिवीजन संभल साहब के ऑर्डर के कंप्लायंस में आज यहाँ पे एडवोकेट कमीशन की कार्रवाई शुरू हुई। अभी इसमें काफी चीजें अधूरी रह गई हैं, बहुत सारे फीचर्स की इसमें स्टडी होना अभी बाकी है। तो अभी कोर्ट के ऑर्डर की कंप्लायंस में फर्दर जो एडवोकेट कमीशन की कार्रवाई है वो आगे बढ़ेगी और उसके लिए जो भी उचित दिशा निर्देश और जो भी उचित सहयोग प्रशासन से लेना है उसके लिए हम प्रशासन को प्रत्यावेदन देंगे। संभल कोर्ट में जो याचिका दाखिल की गई उसमें दावा किया गया है कि हरिहर मंदिर को तोड़कर ही मस्जिद बनाई गई। इसके कई प्रमाण मौजूद हैं, लेकिन हिंदू पक्ष के इस दावे को मुस्लिम पक्ष ने खारिज किया। जब मालूम हुआ कि संभल की शाही जामा मस्जिद भी बदनजर का शिकार हो गई, बहुत अफसोस हुआ और हैरत हुई। उससे ज्यादा हैरत इस बात की हुई कि जिस दिन याचिका डाली गई उसी दिन ही ऑर्डर कर दिया गया सर्वे का। पर मैं समझता हूं कि इस पर किसी को भी खुश या मायूस होने की जरूरत नहीं है। अभी और कोर्ट बाकी हैं जिसका दरवाजा खटखटाया जा सकता है। जामा मस्जिद में मंगलवार रात 9 बजे तक सर्वे का काम होता रहा। पूरी रिपोर्ट 29 नवंबर को कोर्ट में पेश की जाएगी। इस पूरे मुद्दे पर समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान ने कई सवाल उठाए। ये अल्लाह का घर है, मस्जिद है, और इसमें मैं चाहूंगा कि सरकारों को ये संज्ञान लेना चाहिए, चाहे प्रदेश की सरकार है या देश की सरकार है। ये देश संविधान से चलेगा, कानून से चलेगा, किसी के मन मर्जी से देश नहीं चलने वाला। जो एक्ट सर्वोच्च न्यायालय ने 1991 में जो आदेश दिया था उसके तहत किसी भी धार्मिक स्थल के ऊपर कोई आपत्ति छिड़कानी नहीं होनी चाहिए, कोई रिट दायर नहीं करनी चाहिए। इसलिए मैं इसकी मुखालफत में हूँ और हम उम्मीद करते हैं कि उन्होंने जो सर्वे किया है उनको माशा बराबर सुई के बराबर भी कोई एक इंच भी चीज जगह ऐसी नहीं मिल सकती जो कि इस पर आपत्ति हो सके। ये मस्जिद थी, मस्जिद है और इंशाल्लाह ताला मस्जिद रहेगी। मंदिर या मस्जिद वाले इस विवाद पर सबके अपने दावे हैं और अब फैसला कोर्ट को करना है। इसीलिए सर्वे रिपोर्ट बेहद अहम है। देखना होगा कि कोर्ट में जब अगली सुनवाई होगी तो क्या आदेश आता है। संभल से सत्यपाल यादव के साथ टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर। खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।